स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळं मुरुडं विनायकमढं चिंता नमस्कार। इंट्रो म्यूज़िक में कितनी ताकत होती है पूरे प्रोग्राम का समा बांधने की, इसका एक सुंदर उदाहरण था आज का ये इंट्रो म्यूज़िक। नमस्कार दोस्तों, बालाजी क्रिएटर्स की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, अल्फाज तो नगमे की रूह होती है, उसे उसकी जिस्म होती है वो नज़म, और उसे लिबास पहनाती है आवाज़। ये कहने वाले ओपी नैयर साहब, जिनकी तर्ज़ें हमारी जीवन की खोई हुई बिखरी हुई लय हमें बख्श देती है। जादूगर संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन एक कल्ट, एक माधुर्य भराना रोमांटिसिज्म वाला घराना। इंट्रो म्यूज़िक से लेकर कोड़ा म्यूज़िक यानी कि आखिरी स्वर तक श्रोताओं को पकड़कर रखने वाली अनगिनत तर्जों के निर्माता, फिल्म संगीत के नायाब गहने हैं उनकी तर्जें। अब ये बात आप भी मानेंगे कि प्रतिभा एक ऐसी देन है कि आम परिमाणों के साथ उन्हें नापना मुश्किल हो जाता है। हर संगीतकार की प्रतिभा अलग अलग जलवे दिखाने लगती है, और हम जो उनके उनसे प्यार करने लगते हैं, उनके नगमों से प्यार करने लगते हैं, हम कहते हैं कि तेरा जलवा जिसने सुना वो तेरा हो गया। तो हम उनके हो गए हैं और उनके जलवे सुनने जा रहे हैं। आज इन दो संगीतकारों की प्रतिभा के जलवे सुनते सुनते और एक बात आपसे शेयर करनी है कि आज के प्रोग्राम के लिए जो परिमाण है वो इतने महान है। मास्टर दीनानाथ की दो कन्याएं, भारत रत्न लता मंगेशकर और स्वर ऐश्वर्या पद्म विभूषण आशा भोसले,
90 साल की दहलीज लांघ कर भी भारतीय संगीत के सिंहासन पर विराजमान है और विराजमान रहेंगे। बिल्कुल यही अपेक्षा मैं कर रही थी, तो यही रहेगा आज का परिमाण, यही रहेगी आज की मर्यादा। 35 काबिल साजिंदे सुर और ताल का जश्न मनाएंगे, उनके लिए तालियों की एक जोरदार गूंज हो। और आज के इस प्रोग्राम का संगीत संयोजन कर रहे हैं वेरी टैलेंटेड आनंद सहस्रबुद्धे, हु इज अ वेरी गुड कॉम्पियर एज वेल। और आज के हमारे कलाकार, हम हमेशा कहते हैं कि दिल से गाते हैं, रूह से गाते हैं, मुख्तार शाह, सर्वेश मिश्रा, संजीवनी भिलांडे, संपदा गोस्वामी, राणा चैटर्जी, अंकिता पाठक और भी हैं, बाद में बताएंगे उनके लिए। एंड द वन मैन आर्मी बिहाइंड दिस सुपर शो पुनीत शर्मा खांडल, उनके लिए भी तालियों की एक जोरदार गूंज। बिना समय गवाए आपको पहले गीत की ओर लिए चलती हूँ। ओपी नैयर साहब का संगीत पुरवाई की तरह तरोताज़ा, हरियाली की तरह अपने में मस्त, बारिश की फुहार की तरह हमेशा जवा है, इसलिए वो जवा दिलों की धड़कन बन गया है। रफ़ी साहब, नैयर साहब और पर्दे पर शम्मी कपूर जी एक बरमूडा ट्रायंगल है जिसमें लोग सालों सालों से गोते खाते चले आए हैं। शम्मी जी की उछल कूद का रिमोट कंट्रोल रफ़ी साहब की आवाज़ में था। शम्मी जी की अनोखी नृत्य अदाएँ, उनकी मस्ती, उनके रोमांटिक हीरो इमेज, नायिकाओं से छेड़छाड़, रफ़ी साहब की जिंदा दिल रोमांटिक आवाज़ में मानो जिंदा बन जाती हैं। लेकिन जिसके मुख्य सारथी ओपी नैयर साहब, आइए दोस्तों एक ऐसा गाना सुनते हैं जिसकी उम्र आज भी वही है, जिसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ तालियों की गूंज के साथ सर्वेश जी और संजीवनी जी को। एस एच बिहारी जी के बोल, 1964 की फिल्म कश्मीर की गली, दीवाना हुआ बादल। नजर टकरा
सितार बज रही है, वहाँ जीतू ठाकुर जी हैं, हर साज अपने आप में इतना बढ़िया बज रहा था। ऐसे गीत सुनते हैं, ऐसा संगीत सुनते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं वाकई में। और वो आपने गौर किया होगा कि और बजने लगी शहनाई, वहाँ ओपी साहब के संगीत में वो शहनाई भी बजती है। खैर आगे चलते हैं। आशा जी की आवाज़ ओपी नैयर साहब की प्रतिभा की प्राण ज्योति थी। उन्होंने आशा जी से न केवल सबसे ज़्यादा गीत गवाए बल्कि उनके अंदर का फनकार उन्हीं की बदौलत जाग उठा और एक वर्सटाइल आवाज़ को अलग मुकाम मिल गया। हाँ, ये मुझे चाहिए, ये लाइट मुझे चाहिए। खैर, आशा जी ने ये खुद कहा है कि आरडी जी ने तो मेरी शैली बदल दी, पर संगीत का हुस्न अगर पहली बार किसी ने जताया है तो वो ओपी नैयर साहब ने। सुर और संगीत की नींव पर उन दोनों के स्नेह गीत उनकी दोस्ती की इमारत खड़ी थी। ओपी जी ने उनके लिए एक ऐसी तर्ज़े बनाई जिन्हें गाते वक्त आशा जी की आवाज़ का फोकस, उसकी मधुरता, उसका वॉल्यूम, इन सभी गुणों को उन्होंने दांव पर लगा दिया और आशा जी ने उनकी हर तर्ज को सोने में तब्दील कर दिया। आइए 1969 की ओर चलते हैं। फिल्म किस्मत, नूर लखनवी साहब के बोल, ओपी नैयर साहब का संगीत, आशा भोसले जी की आवाज़, वही गीत जो आप सुनना चाहते हैं। आपको सुनाने के लिए पधार रही हैं संपदा जी। हमसे रोशन है चांद और तारे, हमको दामन समझिए गैरत का। उठ गए हम मगर जमाने से, नाम दिल है नाजुक कली से फूलों से, ये न टूटे ख्याल रखिएगा। और अगर आपसे टूट गया जाने जी।
एब्सोल्युटली फंटास्टिक. कितना कितनी रोमांचित करती है बात जब हम कहते हैं कि मनोहारिदा का बजाया सैक्सोफोन है, रईस का साहब ने सितार बजाई थी, पंडित शिव कुमार शर्मा जी ने संतूर बजाया था. ये सारी चीज़ें बोलते समय भी हम रोमांचित हो जाते हैं. और पुनीत जी, आपने देखिए क्या किया है, आपने हीरा भी सामने रखा, मोती भी सामने रखा, पन्ना भी सामने रखा, और आप कहते हैं कि दूसरी नज़र मत फेरो, आगे बढ़ो. बड़ा मुश्किल हो जाता है. खैर, फिल्म अनाड़ी के लिए लिखे शैलेंद्र जी के गीत एक मुक्त चिंतन है. हाँ जी, हाँ ये लाइट, लेकिन मुझे यहाँ लाइट चाहिए, थोड़ा सा मिलेगा मुझे और लाइट, थैंक यू सो मच. अगला गीत उन्हीं का है, आउट एंड आउट अकॉर्डियन की संगत का गाना है, जहाँ सुराज साठे जैसे हमारे, और अभी अकॉर्डियन बजाने वाले हमारे सुरेश यादव जी, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट. सुराज साठे जी सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट. मैं ये सब आनंद जी का कहना है तो मैं वो चुराऊंगी नहीं, लेकिन पहले पहले दो तीन गाने थे इसलिए बोल दिए. तो लेकिन उसमें ज़ाइलोफोन, वॉयलिंस जैसे साज और वॉल्स की तैरती धुन हमें वर्तमान भुलाने पर मजबूर करती हैं. नूतन जी की सुंदरता शायद ही और किसी अभिनेत्री के पास थी, क्योंकि पर्दे पर उनका चेहरा सुंदरता के साथ पवित्रता लाता था. लता जी की स्वर्गीय आवाज़ और नूतन जी की सुंदरता, द डिवाइन ब्यूटी, इनका अनोखा मेल इस गीत में है. दोस्तों, प्यार की पहली आहट इंसान के दिल में 100 सवाल उठाती है, जैसे कि ये गीत कैसा, ये राग क्या. आकाश में होने वाले इशारों से हम भी उस प्यार के राग में झूमने लगते हैं. और साथ में अगर मुकेश जी जैसी इंट्रोवर्ट आवाज़ हो तो मुकेश जी और लता जी का गाया 1959 की फिल्म अनाड़ी का, शैलेंद्र जी का लिखा, शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया वो गीत आपको सुनाने के लिए तालियों की गूंज के साथ मुख्तार जी और अंकिता पाठक पधार रही हैं. नजरों की दिल से ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे. सिल्ली से उठकर होठों पे आया ये गीत कैसा, ये राग क्या है, कोई हमें बता दे. दिल की नजर से नजरों की दिल से ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे. दिल की नजर से का असर है. हम
खो चले, चांद है या कोई जादूगर है, या मत भरी ये तुम्हारी नजर का असर है। सब कुछ हमारा अब है तुम्हारा, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से, नजरों के दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से कुछ गाने क्यों ख़त्म होते हैं, कुछ गाने के वंस मोर हम क्यों नहीं ले पाते, इसके कोई उत्तर नहीं है। बट वो अधूरापन और उसकी मिठास हमारे जहन में और जीवन में हमेशा रहनी चाहिए। ओपी साहब ने एक सीधे तरीके से ये बात कही है कि प्लेबैक में कोई गायकी नहीं होती। हम कंपोज़र तय करते हैं कि हमें किस गीत के लिए किस तरीके की आवाज़ चाहिए और उस गायक से या गायिका से हमें किस तरीके से गवा लेना है। ओपी साहब के संगीत में आवाज़ का अंदाज, शब्दों की फेंक, इन सब का एक अलग टेक्निक था, एक अलग टेक्निक है। कुछ गीत ऐसे हैं कि आवाज़ की अगर आवाज़ का अगर वो अलग अंदाज न हो या शब्दों की वो फेंक न हो तो उसका वो इफ़ेक्ट हमें कभी नहीं मिल सकता। मिसाले तौर पर ये गीत, ताल की हर मात्रा पर अक्षर इस कदर इस नज़ाकत से बैठ जाता है कि जैसे डाली पर कोई छोटा सा पंछी बैठा हो। गीत है वो हसीन दर्द दे दो। आशा जी ने हर शब्द का उच्चारण कमाल का किया है कि बताने के लिए हमारे पास लफ्ज नहीं बचते। दर्द की नज़ाकत कितनी अलग हो सकती है। आइए ये गीत सुनते हैं जो शेवन रिजवी साहब ने लिखा। 1968 की फिल्म थी हमसाया, ओपी नैयर साहब का संगीत, आशा जी की आवाज़, और आज ये गीत संजीवनी जी प्रस्तुत करेंगी।
संजीवनी जी नाच रही हैं, लेकिन हम भी मन ही मन तो वो ही कर रहे हैं। ओपी जी ने एक साक्षात्कार में खुद कहा है कि उनके संगीत में पंजाबी ढंग, देहाती मस्ती और बंगाली मेलोडी का प्रभाव है। लाहौरी पंजाबी संगीत की वो लय मस्ती बंगाली मेलोडी के साथ उनके गीतों में उतर आती है तो वो गाना खिल उठता है। उनके गीतों में कूट कूट कर भरी जो लय है, ताल की विविधता है, रोमांस और लोक संगीत का वो रस्टिक फील है, वो नाचने पर मजबूर करता है। एक जिंदा दिल प्यारा सा गाना सुनते हैं। इस फिल्म के सभी गीत राग पीलू में निबद्ध है। 1958 की फिल्म थी फागुन, जहाँ से कमर जलालाबादी उनके लिए गीत लिखने लगे। इस फिल्म के सभी गीत राग पीलू में निबद्ध जरूर हैं, लेकिन उनमें काफ़ी विविधता है। और ये जानबूझकर नहीं वैसे ही हुआ है, ये भी तो ओपी साहब ने ही बोला है। सर्वेश जी और संपदा जी को मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ आशा जी और रफ़ी साहब का गाया अगला दो गाना आपके सामने पेश करने के लिए।
बीन इस गीत की सुंदरता का राज है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोहरे की घनी चादर, सुनसान हवेली, करकराते दरवाजे, एक गाड़ी खर से आकर रुकती है, उसकी आवाज़, एक अजीब सी आकृति पूरी हवेली में घूमती रहती है। यही तो माहौल रहता है हर सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों का, हर सस्पेंस थ्रिलर फिल्म का। लेकिन इस फिल्म में इस मसाले के साथ पुनर्जन्म का मसाला भी है। वैसे ये गीत है जिसके बारे में बोलना ज़रूरी है कि गिटार की झमझम से और सैक्सोफोन की नशीली धुन के साथ आशा जी की मतभरी तान से ये गीत शुरू होता है। और इस क्लब डांस में हेलन जी के साथ जो दूसरी नृत्यांगना है, बहुत ही प्रभावी व्यक्तित्व है उनका। उनका नाम था हुतोक्सी रिपोर्टर। और उन दोनों के बीच हाथ में बॉक्स गिटार लिए हैं मनोहर दीपक जी। आशा जी की मतभरी हंसी और अन्य साजों के साथ मैंडोलिन और कैस्टनट्स, ये एक और साज है जो ओपी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है, जिसके वजह से गीत को एक क्रिस्पीनेस मिल जाता है। 1966 की फिल्म ये रात फिर ना आएगी, अजीज़ काश्मीरी साहब के बोल, ओपी साहब का संगीत, आशा जी के साथ मीनू पुरुषोत्तम जी की आवाज़, और यहाँ संपदा के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ अंकिता जी को। Thank you.
पुनीत जी मेरी तरफ से थैंक यू फॉर चूजिंग दिस सॉन्ग. कुछ तो अलग सुनने को मिलना चाहिए और ये वैसा था. फिल्म आह एक दुखांत प्रेम कथा थी, बड़ी खूबसूरती से बनाई गई और मधुर संगीत से सजाई गई. क्यों न हो, गीतों के स्वर शिल्पी थे साक्षात शंकर जयकिशन. संगीत की ताजगी और गीतों का चित्रांकन राज कपूर साहब की हर फिल्म की शान भी थी, ताकत भी थी. आइए प्यार की आबो हवा बहाने वाला विस्लिंग से शुरू होता एक गाना सुनते हैं. वैसे राज कपूर जी ड्रम में बैठे हैं आधे कपड़ों में, ठंड में से कुर्ते, सीटी बजाते नजर आते हैं. असल में वो फ्लूट है. मोहित जी यहाँ है तो उसका मज़ा तो आने वाला है. और कमरे में कंदिल है और जलती आग के पास बैठी कंबल लिपटे बैठी नरगिस जी. परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ राज नरगिस केमिस्ट्री. आखिरी अंतरे का जो संगीत है वो ज़रूर सुनिए. जितना मधुर है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उन्होंने इस तरीके से निभाया है कि शब्द नहीं रहते. लता जी और मुकेश जी का गाया, हसरत जयपुरी का लिखा, 1953 की फिल्म आह का ये गीत आपको सुनाने के लिए फिर से एक बार मुख्तार जी और संजीवनी जी. देखी जिस
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपने दबंग अंदाज के लिए मशहूर संगीतकार ओपी नैयर साहब और कमर जलाल आबादी। जैसे कि मैंने अभी कहा कि ये जोड़ी थोड़ा सा लाइट यहाँ लगेगा, फागुन से जम गई। वर्ष 1958 में इस जोड़ी ने लगातार 3 हिट फिल्में दी, एक फागुन, रागिणी और हावड़ा ब्रिज। आइए, आशा जी की मधुरी आवाज़ जो नैयर साहब के संगीत का मुख्य किरदार बन चुकी थी, उनकी मदमाती धुन और भारतीय रजत पट की वीनस यानी कि मधुबाला जी की नशीली अदाकारी, इन सभी का जालिम मेल सुनते हैं। जिस हमेशा जवां गीत में बना है उसी को अभी सुनते हैं। ओपी जी के संगीत में ढोलक और ढोलक के साथ रंगीनियत लाने वाला जो चाइनीज ब्लॉक्स नाम का साज है, वैसा साज इस गीत में फोरग्राउंड में बजा है। बहुत सारी विशेषताएं हैं हावड़ा ब्रिज के इस गीत की, उसमें से एक विशेषता ये है कि ये साज फोरग्राउंड में बजता है। दूसरी ओपी नैयर साहब के संगीत की विशेषता कि अंतरे और मुखड़े के बीच या दो पंक्तियों के बीच का जो एक पुल होता है, वो ओपी नैयर साहब इतनी बखूबी बांधते हैं कि कोई भी अक्षर हमें अकेला नहीं मिलता, कोई भी शब्द हमें अकेला नहीं मिलता और कोई पंक्ति हमें अकेली नहीं मिलती, उसके साथ एक सुरों का सुंदर सा पुल आ जाता है। जैसे कि ये आशा भोसले जी का गाया गीत, आइए मेहरबान आपके सामने अंकिता जी।
अंकिता जी, ये आशीर्वाद है महान आशा जी के कुछ महान गीतों में से ये एक महान गीत है। बहुत अच्छा निभाया आपने। लेख टंडन निर्देशित फिल्म 1968 की झुक गया आसमान, एक्चुअली हियर कम्स मिस्टर जॉर्डन इस अमेरिकन फिल्म का हिंदी अवतार थी। अब उसमें एंजल भी थे, री इनकारनेशन यानी कि पुनर्जन्म की कथा थी, हमशक्ल भी थे, एक हमशक्ल दिल से बहुत अच्छा और दूसरा बुरा। तो ये अच्छा वाला हमशक्ल, उसका शरीर नष्ट होना और आत्मा को फिर कहीं तो बसना चाहिए क्योंकि उसको गलत तरीके से उठाया गया है, उसके लिए वो बुरा हमशक्ल उसका शरीर इस्तेमाल होना, इस तरीके की सभी बातें उसमें मौजूद थी। लेकिन सर्वोपरि था उसका संगीत जो शंकर जयकिशन जी ने बनाया था। इसी फिल्म का एक तरह से बोल्ड बाथरूम गाना सुनते हैं, लेकिन ये सिर्फ बाथरूम गाना नहीं है, ये बाथरूम कम बाथटब कम शॉवर वाला गाना है। अब यह मिक्सिंग इतनी सुंदर से हो रही है, वो कलाकार जिनके लिए तालियों की ज़ोरदार गूंज होनी चाहिए, हर हर गीत को वो इसी तरीके से निभाते हैं, जो घटित है और जो फिल्मों का अंश है उन दोनों को बहुत सुंदरता से मिक्स कर रहे हैं। खैर, एवर यंग एंड एवरग्रीन सॉन्ग, एकॉर्डियन, माउथ ऑर्गन, वॉयलिंस, इन सभी साजों का आनंद तो आप उठाएंगे ही, साथ में लता जी की आवाज़ है और सायरा जी का बोल्ड अंदाज है। अंदाज बोल्ड हो लेकिन संगीत इस तरीके से है कि वो बोल्डनेस कहीं का कहीं चला जाता है और हम उस तर्ज में खोए रहते हैं। आइए इस गीत को आपके सामने निभाने के लिए संपदा जी, लता जी का गाया गीत। Thank you.
अगले प्रोग्राम में इसे कहीं से भी ले आने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राज कपूर नरगिस और लता मुकेश जी का रिश्ता मानो दिल और दिल से निकली आवाज़ का रिश्ता। दिल प्यार के सजदे करता है और आसमान में चांद पिघलने लगता है। पानी का बहाव उस पिघलती चांदनी को ले जा रहा है और एक नाव पर सवार वो बदमाश दिल का चोर और उसके प्यार में पूरी तरह खोई वो नायिका जिसकी आंखें प्यार का गीत गाती हो। राग बागेश्वरी में निबद्ध ये गीत है। जख्मों से भरा सीना और हंसती हुई मस्त नज़र, यही है राज कपूर जी की फिल्मी इमेज जो आवारा से बनने लगी थी। और आवारा की नायिका नरगिस जी सिर्फ औरत नहीं बल्कि एक बहुत सुंदर भावना बन आती है। इसका बहुत सुंदर उदाहरण है ये गीत जो लता जी और मुकेश जी ने गाया है, शैलेंद्र जी के बोल है। मुख्तार जी और अंकिता को मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ। मेरा बहुत पसंदीदा गीत है, आप सुनिए, आपको भी तो वो अच्छा ही लगता है। दम भर जो उधर मुँह फेरे, दम भर जो उधर मुँह फेरे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूँगी, बातें हजार कर लूँगी, दम भर जो उधर मुँह फेरे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूँगी, बातें हजार कर लूँगी।
बहुत कठिन हो जाता है ये सब, बहुत सुनाना है आपको। 1959 की फिल्म उजाला के लिए मन्ना दा ने 4 गाने गाए हैं। अब फिल्म उजाला तक रफ़ी साहब शम्मी कपूर जी की आवाज़ के रूप में स्थापित हो चुके थे, और फिर भी तुमसा नहीं देखा फिल्म के गाने काफ़ी लोकप्रिय हो चुके थे। इसके बावजूद शंकर जी ने शम्मी कपूर जी के लिए मन्ना दा की आवाज़ का इस्तेमाल किया। हर दम नए नए प्रयोग करते रहना उनकी फितरत भी थी और उनकी खासियत भी। हर दम नया करने की धुन उन पर संवार रहती थी। अपने काम पर उन्हें पूरा भरोसा था। फिल्म उजाला के गीत टिपिकल शंकर जयकिशन शैली से बिल्कुल हटके बन गए। आइए वो दो गाना सुनते हैं जिसमें ढोलक का बहुत बढ़िया इस्तेमाल है। राणा चैटर्जी फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द स्टेज ऑन दिस प्रोग्राम, तालियों की गूंज के साथ उनका स्वागत करते हैं, और संपदा जी आइए। हसरत जयपुरी साहब के बोल लता जी और मन्ना दा का गाया ये दो गाना 1959 की फिल्म उजाला। मौसम मस्त महीना, चांद सी गोरी एक हसीना, आँख में काजल मुँह पे पसीना, याला याला दिल ले गई, याला याला दिल ले गई। लाल चुनरिया चाल निराली, सर पे झूमर कान में बाली, हाथ में चूड़िया मोतियों वाली, याला याला दिल ले गई, याला याला दिल ले गई। सभी गीत हसरत जयपुरी साहब ने रचे थे और जयकिशन जी ने उनकी तर्जें बनाई थी।
राग चारुकेशी में निबद्ध एक हमेशा जवां गीत आपको सुनाने जा रहे हैं, लता जी का गाया है। वो हसीन गीत सुनते हैं जो बिरहा के, जरा लाइट दे, थोड़ा सा लाइट पाइजे, जिसमें बिरहा के दर्द को लाइट लाइट साउंड ने हसीन बनाने के लिए इंटरल्यूड में सैक्सोफोन का इस्तेमाल किया है, और इतना बढ़िया इस्तेमाल है कि सैक्सोफोन की वजह से ही ये गीत उस ऊंचाई तक, उस मुकाम तक पहुंचता है जहां आज हम उसे गिना करते हैं। वीराने में चलने वाली नायिका जब प्यार के क्षण याद करती है तो फिजा बदल जाती है। और एक बात है इसमें, शंकर जयकिशन जी के संगीत में वॉयलिन का ग्रैंडियर तो है ही, साथ में ढोलक भी है, बांसुरी भी है, जो कमाल का रंग लाती है। और बेदर्दी शब्द हम जितने बार सुनते हैं, बे जो अक्षर है वो पीछे रह जाता है और दर्द जो है वो फोरग्राउंड में आ जाता है, तो बिरहा की अगन शायद इसके वजह से कई गुना बढ़ जाती है। इस गीत को आपके सामने पेश, लता मंगेशकर जी का गाया ये गीत आपके सामने पेश करने जा रही हैं अंकिता जी। Thank you.
दोस्तों अगला गीत न जाने कितनी बातें जताता है. अ प्ले ऑफ साउंड्स एंड रिदम्स, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स विद इंडियन रिदम, अर्थात ओवी नैयर साहब. भारतीय लोक संगीत लोक ताल से, खासतौर पर पंजाबी बीट से बहुत प्रभावित थे, तो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ उन्होंने तबला और ढोलक का कई गीतों में इस्तेमाल किया है. वो बिल्कुल अनोखा है, जैसे कि जाइए आप या आइए मेहरबान, बहुत सारे गीतों का जिक्र कर सकते हैं. आशा ये जो गीत है, आशा जी के स्वरों में गजब की एटीट्यूड, कमाल का आत्मविश्वास, ओपी जी की तैरती धुन जिसमें उस्ताद रईस खान साहब की सितार बजी है और पंडित शिव कुमार शर्मा जी की संतूर भी, चाइनीज ब्लॉक्स भी है साथ में. और आशा जी मानो अपने श्रोताओं से कह रही हैं कि दूर तक आपके पीछे पीछे मेरी आवाज़ चली आएगी. मेरे सनम, 1965 की फिल्म मजरूह साहब के शब्द, आशा जी की आवाज़ आपके सामने, संपदा जी. Thank you.
संपदा जी, आपने वो महीन हरकतें भी बहुत खूबसूरती से ली, बहुत खूबसूरती से। अगले गीत के बारे में बोलना चाहिए, क्योंकि शंकर जयकिशन जी का संगीत आकर्षक और पुर असर, ये तो बात कोई नई नहीं, लेकिन ये गीत लैंडमार्क गीत, फिल्म संगीत के इतिहास में ये पहला प्रभावशाली स्वप्न गीत यानी कि ड्रीम सीक्वेंस, एक सभ्य सत्यम शिवम सुंदर दुनिया है जहाँ वो खड़ी है पवित्रता की मूरत, और वह उसी चोरी डकैती फरेब की दलदल में फंसा, अनैतिकता उसे अपनी ओर खींची जा रही है, और ये नहीं है, ये नहीं है जिंदगी कहते सत्य और शिव की ओर वो बढ़ना चाहता है, बढ़ रहा है। कोरस, मैंडोलिन, वायलिन के पीसेस, ढोलक और ढोल की नज़ाकत, साथ में फ्लूट, इस तरह का ऑर्केस्ट्रेशन और कोरस का इस्तेमाल शायद इसके पहले कभी नहीं किया गया, और इसीलिए ये गीत ऐतिहासिक माना जाता है। अरेबियन सिंगर खालथुम की अलब अला दिल महबूब वाहदीनी इस गीत के तर्ज पर आधारित जयकिशन जी ने शैलेंद्र जी से साथ में बैठकर ये गीत लिखवा लिया था, और सभी लोगों ने जो इससे जुड़े हुए थे 14 घंटे की ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, एक पूरा दिन लगाया है इसकी रिकॉर्डिंग में, और उसके बिना और उसके बाद में ही ये गीत मुकम्मल हुआ है। तेरे बिना आगे ये चांदनी पहले से तैयार था, घर आया वाला हिस्सा उसे जोड़ा गया और एक अपूर्व गीत बन गया जिसे हम हिंदी फिल्म संगीत का पहला ड्रीम सीक्वेंस कहते हैं। आशा जी के साथ मन्नादा की आवाज़, चाहे भले वो एक ही पंक्ति हो, लेकिन भैरवी में निबद्ध इस गीत में उस एक पंक्ति की भी अहमियत इतनी इतनी बड़ी है कि बोल नहीं सकते, हम किसी और दुनिया में खो जाते हैं। अब मैं आपको वास्तव में लाना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि पुनीत जी का ये प्रयास हमेशा रहता है कि हर प्रोग्राम में कुछ न कुछ नया करें। अब वो संकल्पना से शुरू होता है और आर्टिस्ट लोगों तक आकर ख़त्म हो जाता है, बहुत सारी बातें हैं मन में, लेकिन हर प्रोग्राम में कोई ना कोई नई बात हो, कोई ना कोई नया नाम हो और कोई ना कोई नया आर्टिस्ट हो। आज भी एक बहुत ही नया आर्टिस्ट यहाँ आने वाला है, मैं यहाँ रागिणी को आमंत्रित करती हूँ। रागिणी आप आइए, अब ये 10 साल की बच्ची है औरंगाबाद से। देखो रागिणी, लोग कितना आशीर्वाद दे रहे हैं आपको, पिछले एक साल से ये संपदा जी से फिल्म संगीत कैसे गाते हैं ये सीख रही हैं, तो तालियों की जोरदार गूंज के साथ आप उसे आशीर्वाद दीजिए, उसके हौसला अफजाई कीजिए। अब उनके साथ कुछ नामी आवाज चाहिए, जिसके लिए मैं राणा चटर्जी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ, और वही गीत जो हम सभी सुनना चाहते हैं। कॉम्बिनेशन कमाल का लग रहा है ना।
जिंदा जल रहा हूँ हाय, सांस के ये आग के ये तीर चीरते हैं आर पार। ओ मुझको ये नरक न चाहिए, मुझको फूल मुझको गीत मुझको प्रीत चाहिए, मुझको चाहिए बहार, मुझको चाहिए बहार, मुझको चाहिए बहार, मुझको चाहिए बहार। रागिणी महज 10 साल की है, हमारे अभी जयपुर घराने की गायकी सीख रही है, बाकायदा ख्याल पेश करती है ना,
और फिर ये फिल्म संगीत भी सुनती है, जिस तरीके से जिस अंदाज से आपने गाया, सबके आशीर्वाद आपको मिल रहे हैं, बार बार आया कीजिए इस मंच पर। हाँ, यही बताना था ना। नमस्कार कर सगळ्यांना आणि जा। माय गुडनेस एंड शशांक जोशी, आनंद सहस्रबुद्धे एंड हिज टीम्स, कितने लोगों के नाम नहीं ले सकती मैं, लेकिन इट वॉज फैंटेस्टिक विद आवर सुपर कोरस, फैंटेस्टिक फाइव इन आवर कोरस। अगले पायदान पर आपसे रूबरू हो रहा है वो 60 साल का जवां गीत, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि ट्रीट टू द ईयर्स एंड नेक्टर टू द, सॉरी, ट्रीट टू द आईज एंड नेक्टर टू ईयर्स, माफ़ कीजिए। ये भी पियानो वाला गाना है, अर्थात गाने की शुरुआत और अंत में पियानो दिखाया गया है। पियानो के दिलकश सुरों से अर्थात शुरुआत हो जाती है। आपने पहचाना होगा 1959 की फिल्म अनाड़ी का, शैलेंद्र जी का लिखा ये गीत है। ग्रेसफुल नूतन जी और दुख में दबी आवाज़ में गहरा थी वॉयलेंस, लता जी का जानलेवा आलाप और ढोलक का सुंदर उपयोजन, शंकर जयकिशन जी की तर्ज, राग देश की ज़मीन पर बांधी ऐसी धुन जो आज भी हमारे दिल की बस्ती लूट कर चली जाती है। मैं फिर से एक बार संजीवनी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ लता जी का गाया ये गीत आपको सुनाने के लिए, तेरा जाना। तेरा जाना दिल के घर मांगो का लुट जाना, तेरा जाना दिल के घर मांगो।
वेरी ब्यूटीफुल रेंडिशन। दोस्तों आगे चलते हैं, शंकर जयकिशन जोड़ी के संगीत में कोरस अपनी एक भूमिका, अपना एक स्टांस, अपना एक किरदार लेकर आता है। वह केवल सामूहिक भावनाओं का आईना नहीं बनता, बल्कि किसी किरदार के मन की भावनाओं को और गहरा बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जब कोरस के साथ लता जी गाती हैं, हम उन्हीं के गाने सुनते आए हैं, तो उनका स्वर्गीय स्वर अलग से झगमगाने लगता है। आइए संगम का वो गीत सुनते हैं जो मुकेश जी, मन्नादा, महेंद्र कपूर और लता जी सभी की आवाज़ से सजा है। और यहाँ इस गीत को पेश करने के लिए मुख्तार जी, राणा जी और संपदा जी को मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ। Thank you.
सा जिगर इतना सा है दिल क्या बात बड़ी करने आए ओए ओए। क्या पैदा होगी आग अगर पत्थर से न पत्थर टकराए ओए ओए। नन्ना सा ये दिल आंखों में ना हो तो पल में अंधेरा हो जाए ओए ओए।
लगता था कि ये संगीत कभी ख़त्म ही ना हो पाए। आइए अगले गीत की ओर आपको लिए चलती हूँ, हम सभी का पसंदीदा गीत। ओपी नैयर शमशाद जी को लाहौर के दिनों से जानते थे और कहते थे कि उनकी आवाज़ मंदिर में गूंजती घंटियों की तरह है जो हर दिल में बस जाती है, और ये बिल्कुल शत प्रतिशत सही है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर शमशाद बेगम जी की आवाज़ उनके संगीत का साथ न देती तो उनके लिए फिल्मी दुनिया में मुकाम बनाना मुश्किल हो जाता। जब आशा जी की आवाज़ सुनकर वे नादलुप्त हो गए तो उनके संगीत की शैली बदलने लगी, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि उनकी आवाज़ आशा जी की आवाज़ का फोकस रेंज और उनका हरफन मौलापन मद्देनज़र रखकर उन्होंने तर्ज़ें बनाई। शमशाद बेगम के आवाज़ की खनक, ओपी जी के संगीत का दबंगपन और आशा जी के सुरों में पिरोई अभिनय की चांदी, इसका एक साथ अनुभव करते हैं 1969 की फिल्म किस्मत, SH बिहारी साहब के बोल। और आपके सामने ये गीत पेश करने के लिए आ रही हैं संपदा जी और संजीवनी जी। Thank you.
ब्यूटिफुल, नो अदर वर्ड। संगीत की परिभाषा बदलने वाले महान संगीतकार द्वई शंकर जयकिशन, दोनों का अपना काम करने का तरीका बहुत अलग था। शंकर जी घंटों स्टूडियो में बैठकर काम करना ज़्यादा पसंद करते थे, तो जयकिशन जी घर में ही बैठकर दो चार काम निपटाते तर्ज बना लेते थे और ये काम बड़ी आसानी से कर लेते थे, तेज़ी से भी। हरियाली और रास्ता फिल्म की बात चल रही थी तो निर्माता के साथ म्यूजिकल सेटिंग थी जो फेमस स्टूडियो में रखी गई थी। अब उसके लिए ठीक समय पर शंकर जी हाजिर हुए, अब जयकिशन जी आए ही नहीं, दूसरे दिन भी यही सिलसिला चला। तो शंकर जी ने फिल्म सिचुएशन के हिसाब से शैलेंद्र जी से एक धुन बनाकर बोल भी लिखवा लिए, बोल मेरी तकदीर में क्या है मेरे हमसफर ये तो बता, जो निर्माताओं को बहुत पसंद आया। तीसरे दिन यानी कि अगले दिन उसी सिचुएशन पर जयकिशन जी भी धुन बनाकर ले आए, हसरत जी से बोल भी लिखवाए, गीत भी तैयार किया, ये हरियाली और ये रास्ता। दोनों गीत इतने बढ़िया थे कि अलग अलग सिचुएशंस पर फिल्माए गए, लेकिन जिस गीत को आप सुनना चाहते हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए फिर से एक बार मुख्तार जी और संपदा।
नमस्कार। हमारे साजिंदों का परिचय कराने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जब हमारे पुनीत भाई ने इस प्रोग्राम की लिस्ट मुझे दी तो एक बड़ी दिलकश याद ताज़ा हो गई, वो आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मैं कुछ 6-7 साल की उम्र का था, तब से हमारे घर पर हर इतवार को मेरे पिताजी एक लिसनिंग सेशन रखा करते थे। मतलब उस उम्र से मैंने पंडित कुमार गंधर्व, पंडित भीमसेन जोशी, शंकर जयकिशन, SD बर्मन, सलील चौधरी, इन सब के गीत उस उम्र से सुने हैं। और मुझे ये लगता है कि ये उन गीतों की बदौलत मेरा बचपन बड़ा महफूज रहा। मैं मानता हूँ कि ये सारे जो गीत हैं ये सिर्फ गीत नहीं, ये संस्कार हैं जो जब मन पे होते हैं तो आप एक बेहतर इंसान बनते हैं, ये मैंने खुद महसूस किया है। और इस प्रोग्राम को जब मैं कंडक्ट कर रहा हूँ तो मेरे दिल में बात ये आती है कि उन गीतों ने मुझ पर जो एहसान किया है वो थोड़ा सा सही, ये बस एक चुकाने की कोशिश है। आज हमारी टीम में तबले पर संगत कर रहे हैं संदीप मयेकर, उनके साथ तबले पर सचिन सावंत, हमारी इंडस्ट्री के एक बहुत सीनियर कलाकार विजय जाधव साहब ऑक्टोपैड पर संगत कर रहे हैं, ढोलक और ढोल पे संगत कर रहे हैं राहुल रूपवते, उनके पीछे हमारा कोरस सेक्शन सोनल नाइक, निशिगंधा फाटक, वीणा जोशी, राहुल चिटनिस, नितिन नटकरी, नितिन गरंदीकर आखिर में, परकशंस पे हमारा साथ दे रहे हैं शशांक जोशी, कोंगो ढोलक पर संगत कर रहे हैं शशि बावलेकर, उनके साथ बोंगो और कई परकशंस बजा रहे हैं समित पेडनेकर, ड्रम्स पर हमारा साथ दे रहे हैं जतिन पांसानिया, कीबोर्ड्स पर सागर टेमघरे, किरण गायकवाड़, इलेक्ट्रिक लीड गिटार पर ब्रिजेश शाह, इलेक्ट्रिक बेस पर सुरेश अय्यर जी, अकुस्टिक एफ कट गिटार पर ज्ञानेश देव, मैंडोलिन पर संगत कर रहे हैं दिनेश भोसले, सितार पर शहर पुणे से हमारे लिए आए हैं प्रसाद गोंदकर, इंडियन फ्लूट और की फ्लूट पर संगत कर रहे हैं मोहित शास्त्री, और 3 लोगों का परिचय मैं खास तौर से अब कर रहा हूँ। हम सब ने संगीत के यादगार दौर को सुना है, उसको हम आज भी महसूस करते हैं, वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। बहुत से हम सारे लोग ऐसे हैं जो उस यादगार दौर में आपको आपके सामने पेश करते हुए इसमें शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ 3 कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने उस यादगार दौर को यादगार बनाने में अपना योगदान दिया है। इनमें से पहले हैं सुराज साठे साहब, सैक्सोफोन और क्लैरिनेट पर संगत करने वाले हमारे सुरेश यादव जी, ये वो दूसरी शख्सियत हैं, और तीसरी शख्सियत हैं हमारे स्ट्रिंग सेक्शन के इंचार्ज श्री प्रकाश वर्मा। हमारे स्ट्रिंग सेक्शन में आज सोलो वायलिन पर बहुत मंझे हुए वायलिन वादक जीतू ठाकुर साहब साथ दे रहे हैं, तो मैं जीतू जी से गुजारिश करता हूं कि हमारे सारे टीम मेंबर्स का परिचय आप करा दें। प्रकाश जी जो हमारे लीडर है, चंद्र अंकल, चंद्र जी, गॉडविन जी, परेश जी, चंदन सिंह जी, मोहन, धर्मेंद्र, नीरज, राजीव, सुशील, संजय, थैंक यू सो मच। ये सारे गीत जो आप सुन रहे हैं ये वक्त के मुख्तलिफ पड़ावों पर बने थे। हर गीत को बनाने के पीछे की भावना, उनके जज्बात बहुत अलग थे, सोच अलग थी। इस सब को जितना हम महसूस कर रहे हैं उतना ही हमारे साउंड इंजीनियर टीटू कुलकर्णी महसूस कर रहे हैं, जिन्होंने आज साउंड और लाइट्स की जिम्मेदारी संभाली है। शंकर जयकिशन साहब हों, OP नैयर साहब हों, या कई मंझे हुए कलाकार हों, हमारी इंडस्ट्री के दिग्गज लोग हों, उन सब की ज़िंदगी के बहुत करीब ले जाते हुए अपनी बातों के ज़रिए, अपने अनुभवों के ज़रिए हम सबको उनके मुख्तलिफ पहलुओं से वाकिफ कराती हुई, और जब से एंकरिंग या होस्टिंग इसकी सोच बनी है तब से जिन्होंने उसको अंजाम दिया है, ऐसी सुश्री मंगला खाडिलकर आज हमारी एंकर हैं। मैं बस आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये सारे जो गीत हैं ये उस ज़माने में बने थे जब शायद मैं पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन
इन गीतों की खूबी देखी है कि ये गीत फिर भी मुझे पराए नहीं लगते। हम में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जो तब शायद पैदा भी नहीं हुए थे, बहुत छोटे थे जब ये सारे गीत बने थे, लोग इसके दीवाने थे। मतलब मेरे पिताजी को मैंने कहते हुए देखा है कि जब वो शंकर जयकिशन की बात होती थी, ओपी नैयर हो, एसडी वर्मन हो, तो बड़े शान से कहते थे ये हमारे लोग हैं। जब मैं उनसे उन गीतों के बारे में कुछ पूछता था, इतने पॉजिटिव थे उस सब के बारे में, उस दौर के बारे में, कि कहते थे ये हमारे लोग हैं। तो ऐसे मंझे हुए लोगों के, ऐसे गुरुजनों के गीत आपके सामने पेश करने मिलना और मुझे वो कंडक्ट करने मिलना, इसको मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। हमारे जो प्रायोजक हैं उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। हमारे मुख्य प्रायोजकों के नाम लेना यहाँ बहुत ज़रूरी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिनकी टैगलाइन है योनो बैंकिंग लाइफस्टाइल दोनों, योनो बैंकिंग लाइफस्टाइल दोनों। उसके बाद में श्री चक्र ट्रांसट्रेक, लाइफ मीडिया केयर, प्रिया गोल्ड, कायम चूर्ण, फ्लेयर पेंस, वास्तुविद कंसल्टेंट्स, नोवा डेयरी प्रोडक्ट्स जो कि हमारे मुख्य स्पॉन्सर हैं, रेडियो पार्टनर्स हैं नशा और ब्राइट आउटडोर पार्टनर्स। तो इन सब के हम बहुत बहुत आभारी हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अगर कोई उनके प्रतिनिधि ज्येष्ठ अधिकारी यहाँ मौजूद हों तो शायद प्रकाश और अंधेरे के इस खेल में मैं उन्हें देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन बहुत सम्मान के साथ उन्हें यहाँ आमंत्रित करना चाहती हूँ। पुनीत जी अगर कोई है तो नहीं है, तो हम उनके शुक्रगुजार हैं, बहुत आभारी हैं। दूसरी बात यह है कि हमारा जो अगला शो है उसके बारे में हम बात करेंगे, और टीटू जी अगर हो सके तो आप उस पर दिखाया कीजिए। अरे वाह, यह है ही मुकेश और मन्ना दे, ये है हमारा अगला विषय। 23 फरवरी शाम 7 बजे, स्थल यही है, मुख्तार शाह, सूर्यो भट्टाचार्य, संपदा गोस्वामी, अंकिता पाठक इसमें शामिल हैं। और अच्छा, मेरी फोटो भी है तो मैं भी हूँ। तो बस आपकी उपस्थिति, अब इस समय नए साल का ये पहला शो था, लेकिन आप लोगों के जैसे लोग यहाँ उपस्थित हैं, मौजूद हैं, आपके सामने ये गाने पेश करने का मौका मिल रहा है, इस विषय को अंजाम देने का मौका मिल रहा है, यही हमारे लिए बहुत बड़ा है। तो पुनीत जी, हम आपके आभारी हैं, और अगले शो के लिए दोस्तों आपका इंतज़ार रहेगा। मैं अगले गीत की ओर आपको लिए चलती हूँ। वॉयलिंस की अमीरी, सैक्सोफोन, गिटार, ट्रम्पेट जैसे साजों का बेहतरीन इस्तेमाल, गरजते बादल, आसमान में नर्तन करती कड़कती बिजलियाँ मानो संगीत का ही एक हिस्सा हो, और वो हसीना जिस पे दिल निछावर हो अगर सहम कर पहलू में आए तो तूफानी बरसात की तरह तूफानी प्यार उमड़ कर आना लाजमी है। शमी कपूर जी के मर्दाना अदाएं और रफ़ी साहब के उन अदाओं को अभिनित करने वाली आवाज़, मनुहारिदा का सैक्सोफोन, ब्यूटीफुल गिटार पीसेस, वीकेंड से लश गिटार पीसेस, और यहाँ बिल्कुल मौजूद हैं सर्वेश जी और अंकिता। तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। 1962 की फिल्म दिल तेरा दीवाना, लता जी और रफ़ी साहब का गाया ये दो गाना आपके सामने पेश होगा। दिल तेरा दीवाना है
मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम। ओ दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम। जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम। मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, ओए मोहब्बत की कसम। संगीत की नींव पर ओपी आशा युग की इमारत खड़ी थी। वैसे ओपी साहब के संगीत में नशा और रोमांस कूट कूट कर भरा होता है। उसमें जवां दिलों की धड़कन है, जीने का रुतबा है, मनोहरिदा का बजाया सैक्सोफोन, आशा जी की महकती हंसी, नैयर साहब की सिडक्टिव क्लासिक धुन, सबका मिला जुला अंदाज लेकर आता है ये मदहोश करने वाला आशा जी का गाया गीत। मजरू साहब के बोल हैं। फिल्म मेरे सनम आपके सामने इस गीत को प्रस्तुत करने के लिए बधा रही हैं संपदा जी। सिर्फ इस गीत के बारे में एक और कहना चाहूँगी कि अंतरे में एक अंतर्गत लय बदलने का काम ओपी नैयर साहब इतनी सुंदरता से करते हैं, एक हल्का सा धक्का बैठता है और हम नए सिरे से उस गीत में खो जाते हैं। आइए सुनते हैं, यह है रेशमी जुल्फों का अंधेरा। ज़ुल्फ़ों का अंधेरा न घबराए, जहाँ तक महक है मेरे गीतों की चली Yeah.
एंड थैंक यू। एक और प्रोग्राम के बारे में आपको इतला देनी है कि गोल्डन हिट्स नाम की एक संस्था है जो रविंद्र नाट्य मंदिर में यानी कि इसी जगह 24 जनवरी को रात 8:30 बजे एक शो प्रस्तुत करने वाली है, ट्रिब्यूट टू म्यूजिकल ड्यो कल्याण जी आनंद जी। अब इसकी जो कंसेप्ट है और इसका जो दिग्दर्शन है यानी कि निर्देशन है वो अजीत मिस्त्री साहब का है जो खुद एक गायक हैं, और इसके कंपेयर हैं संदीप कोकिल जी, बहुत अच्छे कंपेयर हैं, और सिंगर अनिल वाजपेयी, रविंद्र शिंदे, अजीत मिस्त्री, गुल सक्सेना और मंजीरा गांगुली। फिर से एक बार 24 तारीख रात 8:30 बजे इसी ठिकाने पर यानी कि रविंद्र नाट्य गृह में कल्याण जी आनंद जी, ट्रिब्यूट टू म्यूजिकल ड्यो कल्याण जी आनंद जी। खैर, इसके आगे बढ़ना चाहूँगी अगले गीत के साथ, अद्भुत गीत। लता जी की आवाज़ की अद्भुत रेंज संगीतकार शंकर जयकिशन जी के कई तर्जों के लिए वरदान बन गई थी। वैसे झट से अगर बताना हो तो दिल तेरा दीवाना है सनम, याल्ला याल्ला दिल ले गई जैसे कई गीतों में लता जी के अति तार स्वर का इस्तेमाल बड़ी खूबी से किया गया, और ऐसा ही अति तार सप्तक में और स्वर में आसानी से पहुंचने वाला एक बहुत बढ़िया गीत जयकिशन जी की तर्ज है। इस गीत के अंतरे की वो जगह अजी लाख पर्दों में छुप जाइएगा, अति तार स्वर में भी मधुरता का एक कण भी कम नहीं होता, जरा भी मधुरता ओछी नहीं होती। राग देश की जमीन पर निबद्ध सैक्सोफोन इंटरल्यूड्स बाय मनोहारी दा, ये सब बोलने के बाद मैं ये कहूँगी कि 1965 की फिल्म आरजू की हसरत जयपुरी साहब की लिखा ये चमत्कार है, जिसे आपके सामने पेश करने के लिए तालियों की गूंज के साथ संजीवनी। Thank you.
बहुत बढ़िया. सोशली एंड म्यूजिकली वाइब्रेंट फिल्म बी आर चोपड़ा साहब की नया दौर. ग्राम विकास और यांत्रिकीकरण इनसे पैदा होने वाली समस्याओं की पार्श्वभूमि थी, और सही मायने में अगर कहे तो इस फिल्म से नया दौर नहीं नैयर दौर शुरू हो गया. जिसे हम टांगा रिदम कहते हैं उसका सही उदाहरण इस गीत इस फिल्म से शुरू हो गया. खैर, ओबी साहब ने खुद कहा है कि नया दौर फिल्म के बाद मेरे संगीत का मूड बदल गया और उसके लिए सिर्फ आशा जी की आवाज़ ही इंसाफ दिला सकती थी. अब जो किरदार वैजयंती माला जी ने निभाया है वो तो पहले मधुबाला जी निभाने वाली थी, फिर कुछ ऐसा हो गया कि वो वहाँ से निकल गई और ये वैजयंती माला जी की बहुत बेहतरीन भूमिकाओं में से एक मानी जाती है. आइए वही गीत आपको सुनाते हैं, क्योंकि ओपी नैयर साहब के संगीत का ठेका और साहिर साहब के लफ्ज़ों की जुगलबंदी लेकर आता है वो गीत रफ़ी साहब और आशा जी का गाया मांग के साथ तुम्हारा. और इसे आपके सामने पेश करने के लिए सर्वेश जी और अंकिता जी को मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ. ब्यूटीफुल सिंगिंग, ब्यूटीफुल ऑर्केस्ट्रेशन,
साथ ही एक अलग तरीके का गीत आपको सुनाने जा रहे हैं। ओपी साहब का संगीत इंदिवर साहब के या अनजान साहब के बोल है, अलग अलग लिखा गया है, इसके लिए दोनों के नाम ले रही हूँ। अगली बार अगर मौका मिले तो उसको क्लियर भी करूँगी। किशोरदा का और आशा जी का गाया, दोनों ने अलग अलग गाया है, हम एक साथ आपको सुनाने जा रहे हैं। इस गीत की विशेषता ये है कि ये हार्ट टचिंग तो है ही, दिल को छूता है, पैशनेट है बड़ा, और बहुत ही फास्टेस्ट गाना है। दुख भरा गाना इतना इतना जलद गति में, इतना एनर्जेटिक तरीके से नहीं आता, लेकिन यह वो है। राम मुखर्जी की फिल्म थी एक बार मुस्कुरा दो, उसका वो गाना आपके सामने पेश करने के लिए आ रहे हैं राजेश प्रभु। हमारे राजेश खन्ना जी के प्रोग्राम में बहुत बढ़िया गाए थे। राजेश जी आइए, आपके साथ संपदा जी भी आ जाएंगी। संपदा जी आप आइए। राजेश जी के बारे में इतना ही कहूँगी, अच्छा तो गाते ही हैं, पियानिस्ट हैं, पियानो टीचर भी हैं, बहुत सारे कलाकारों को पियानो सिखाते हैं। और उसके साथ मुझे ये कहना है कि वो जिनके शिष्य हैं उनका नाम है रॉबर्ट कोरिया। शंकर जयकिशन जी के जो म्यूजिशियंस थे उसमें पियानिस्ट रॉबर्ट कोरिया का नाम बड़े ऊंचे ओहदे में लिया जाता है। तो ये उनके गुरु हैं और गुरु के ये शिष्य हैं। तो आई थिंक गुरु का नाम बताया तो इट स्टार्ट स्पीकिंग वॉल्यूम्स अबाउट द डिसाइपल, राइट? इट्स एन ऑनर टू बी अ स्टूडेंट ऑफ रॉबर्ट। यस यस। जल रहा
बहके मरघट जैसा अंगारों पे मैं चल रहा हूँ तू औरों की क्यों हो गई तू हमारी थी जान से प्यारी थी तेरे लिए मैंने दुनिया सवारी थी आगे जाना कितना मुश्किल होता है ऐसे समय सुरों के साथ कुछ न कोई तो रहता है लेकिन शब्द बहुत अकेले होते हैं जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे समय लेकिन फिर भी बढ़ती हूँ राग विहाग पर आधारित रिश्तों और जज्बातों के बारे में बोलने वाला गाना रिश्तों को ज़्यादा ढील भी नहीं देनी चाहिए लेकिन ज़्यादा खींचना भी नहीं चाहिए अब ये रास्ते का गीत हो सकता है ये रिश्तों और जज्बातों का भी गाना हो सकता है हसरतपुरी जयपुरी साहब के बोल हैं और बस चल रही है अब देव साहब ड्राइवर हैं एकमात्र प्रवासी हैं साधना जी जीवन के जीवन में प्यार का साथ मिले तो रास्ता भले ही लंबा हो बड़ा प्यारा और हरियाला बन जाता है बस रफ़ी साहब और लता जी के डिवाइन वॉइसेस इसमें है और इसी गीत को गुड्डी फिल्म के लिए भी इस्तेमाल किया गया था राग बिहाग पर आधारित ये गीत 1962 की फिल्म असली नकली का है यानी कि शंकर जयकिशन जी का संगीत आपके सामने पेश करने के लिए सर्वेश जी और अंकिता तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है बांध लिया है तेरे जुल्मों से कम सर आँखों पर मैंने बदले में प्यार के प्यार दिया है प्यार दिया है तेरी खुशियाँ नम सर आँखों पर तुझे जीवन की डोर से जीवन की
ब्यूटीफुल, एक तो मिलेनियम सॉन्ग है, आपने बहुत अच्छा निभाया। देखिए मनोहारिदा के सैक्सोफोन से सजाया शर्मिला टैगोर और विश्वजीत जी पर फिल्माया गया, आशा जी का गाया ये गीत सुनते हैं। फिल्म है ये रात फिर न आएगी, गीतकार SH बिहारी। ये गीत किसी इंट्रोवर्ट कविता से या आत्ममग्न कविता से बिल्कुल कम नहीं। किसी गलतफहमी का शिकार बनकर दो दिल टूटे हैं और OP साहब की तर्ज आशा जी की आवाज़ में याद करा रही है उन सारे वचनों की। हॉन्टिंग मेलेडी जैसी तर्ज हैं और आशा जी की शुरू में घुला एक पैथोस है, इको इफेक्ट की वजह से वो और भी प्रभावशाली बन जाता है। आइए मैं यहाँ संपदा जी को आमंत्रित करती हूँ ये गीत आपको सुनाने के लिए। You.
बहुत सुकून मिलता है ऐसे गाने सुनकर। दोस्तों, जयकिशन जी भैरवी को सदा सुहागन राग कहा करते थे और फिल्म बरसात से राग भैरवी के साथ उनका रिश्ता और गहराता चला गया, पर अन्य रागों से भी उन्हें अनुराग था, जैसे कि राग शिवरंजनी। अब कई सारी तर्जें हैं, ओ मेरे सनम जाने कहाँ गए वो दिन, बहारों फूल बरसाओ, गम उठाने के लिए मेरे हुजूर फिल्म का, दिल के झरोखे में, और फिल्म प्रोफेसर का वो गीत जो हम आपको अभी सुनाने जा रहे हैं, आवाज़ देख के हमें तुम बुलाओ। लता जी और रफ़ी साहब का गाया, शैलेंद्र जी का लिखा, सैक्सोफोन और बांसुरी जैसे साजों की अहमियत जताने वाला ये गीत आपके सामने, सर्वेश जी और संजीवनी जी। फिल्म 1962 की, प्रोफेसर। गीत सुनते हैं जो फिल्म के तीन प्रमुख चरित्रों पर इस तरह फिल्माया गया है कि फिल्म की पूरी कहानी उसमें समाहित हो जाती है। वैसे सुंदर राधा की ओर बढ़ता हुआ, राधा गोपाल की ओर। शंकर जयकिशन जोड़ी ने अपने जीवन की मधुरतम संगीत रचनाओं से फिल्म संगम को सजाया। संगम का पार्श्व संगीत तो हृदयग्राही है, ये आप जानते हैं, और बहुत कम समय में शंकर जयकिशन जोड़ी ने उसे सिद्ध किया था। आइए एकॉर्डियन और पियानो वाला ये बहुत बढ़िया गीत सुनते हैं। लता जी, मुकेश जी और महेंद्र कपूर जी की आवाज़ें हैं जिनके लिए मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ मुख्तार जी, राणा जी तथा अंकिता जी को। 1964 की फिल्म थी संगम और प्रस्तुत गीत शैलेंद्र जी का।
हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। आप हमारे दिल को चुरा कर आँख चुराए जाते हैं, ये एक तरफा रस्म वफा हम फिर भी निभाए जाते हैं, चाहत का दस्तूर है लेकिन आपको ही मालूम नहीं, ओ जिस महफिल में शमा हो परवाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। अपनी अपनी सबने कहनी लेकिन हम चुपचाप रहे, दर्द पर आया जिसको प्यारा वो क्या अपनी बात कहे, खामोशी का ये अफसाना रह जाएगा बाद मेरे, अपना के हर किसी को बेगाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। बढ़िया सुराज जी, आप इस कदर वो अकॉर्डियन बजा रहे हैं कि जैसे वो एक और हाथ हो आपको या आपके हाथ का वो एक अवयव हो, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक शोक आपने वो देखा होगा जहाँ संगीत बिल्कुल तीखा हो जाता है
वहाँ तीनों किरदारों के चेहरे के भाव बहुत कुछ बोल जाते हैं। खैर, मैं उसी गाने में अटकी पड़ी हूँ, आगे चलती हूँ। एक शोक अदाओं से भरपूर दो गाना सुनाते हैं आपको, एक नाजुक सा प्यार भरा क्वेश्चन आंसर सेशन भी उसमें है, जो प्यार की आबो हवा संगीत के साथ बढ़ाते जाता है। अब बीच बीच में एक वैधानिक स्टैट्यूटरी वार्निंग भी है, वैधानिक इशारा भी है, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ओपी नैयर साहब की ये तर्ज राग केदार में निबद्ध है, और यही कहने को मन करता है कि ओपी नैयर वॉज लाइक वैली ऑफ मेलोडीज एंड मास्टर ऑफ रिदम। सितार नाम की एक जानलेवा चीज़ भी अपना काम वहाँ कर रही है। हैंडसम जॉय मुखर्जी, एनचैंटिंग साधना जी, उसमें एक सारंगी का भी इस्तेमाल बहुत सुंदर है, जैसा कि तेरा जाना में एक टेल पीस है सारंगी का, महीन तरीके से महीन हरकतों को सुनते हैं तो बिल्कुल स्पेल बाउंड हो जाते हैं। राजा मेहदी अली खान साहब के बोल, एक मुसाफिर एक हसीना, फिर से एक बार 1962 की फिल्म, और आपके सामने इस गीत को पेश करने के लिए फिर से एक बार राणा चैटर्जी और संपदा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहें, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न करो हसीना दुगल, मेरा दिल तेरी आंखों में खो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। पीछे पीछे मेरे आप आती है क्यों, पीछे पीछे मेरे आप आती है क्यों, मेरी राहों में आंखें बिछाती है क्यों, आप आती है क्यों। अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। कैसी जादूगरी की अरे जादूगर, कैसी जादूगरी की अरे जादूगर, तेरे चेहरे से हटती नहीं ये नजर, हाय मेरी ये नजर। यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न करो हसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आंखों में खो जाएगा।
करता है कि ये गाना कभी ख़त्म ही ना हो। लेकिन एक अच्छी खबर आपको सुनानी है कि जैसे हमने हमारा 23 फरवरी का प्रोग्राम यहाँ अनाउंस किया, बुक माई शो पर 28 टिकटें पहले से बुक हो गई है, तो जाहिर है कि आप ही में से कोई है जिन्होंने वो 28 टिकटें बुक की हैं। ये एक शुभ शकुन, एक शुभ संकेत मानते हैं हम और अपेक्षा करते हैं कि भरपूर भरा हुआ, अच्छा, आपकी तरह सुलझा हुआ ऑडियंस हमें मिले उस शो के लिए। अगले गाने की ओर आपको लिए चलती हूँ। दोस्तों, जब गाने आँखों की बात जुबां पर ले आते हैं तो प्यार का नशा सर चढ़कर बोलने लगता है, पहले प्यार की खुशी को बयां करता है, लेकिन ये खुशी अगर खुद एक्सप्रेस न कर सके तो किसी और को वो काम करना पड़ता है। देवानंद साहब के फिल्म CID का, मजरू साहब का लिखा, ओपी नैयर साहब के संगीत का खुमार लेकर आया गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जहाँ शमशाद जी भी हैं, आशा जी भी हैं और रफ़ी साहब भी हैं। गाना तो आपने खैर पहचाना, लेकिन देव साहब और शकीला के साथ वहाँ जो डांसर हैं उनका नाम है शीला वास, जो उस ज़माने की बहुत फेमस डांसर हुआ करती थी, और हारमोनियम बजाने वाले कलाकार हैं श्याम कपूर, जो कि गुरुदत्त जी के असिस्टेंट थे। खैर, इस गाने को आपके सामने पेश करने के लिए सर्वेश जी, संजीवनी जी और अंकिता पधार रही हैं। के पहला पहला प्यार भर के आँखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। भोले के पहला पहला प्यार भर के आँखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। भोले के पहला पहला प्यार, पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी।
प्यार। बहुत बढ़िया, या तो आप यहीं रहिए, कोई बात नहीं। इस मुकाम पर दोस्तों बस इतना ही कहूंगी, एक के बाद एक गाने हम सुन रहे हैं ओपी नैयर साहब और शंकर जयकिशन जोड़ी के, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी की आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। जिंदगी भर सृजनशील रहना, नई निर्मिति करना और पीढ़ी दर पीढ़ी लूटे ऐसा कभी ख़त्म न होने वाला आनंद का खजाना बनाकर चले जाना, यही सबसे बड़ी बात है और यही अमरत्व है। अब लता जी और आशा जी के बारे में क्या कहें, वो शतायु हो, स्वस्थ हो, मास्टर दीनानाथ जी की 90 की दहलीज पार कर आगे बढ़ने वाली इन दो कन्याओं की हमें बहुत ज़रूरत है। अब जो गीत आपके सामने पेश होगा, प्रभात की ओस की बूंदों की तरह है, 60 साल का ये गीत है, शमी कपूर जी की इररेजिस्टिबल चार्म। वो जैसे उनका सर हिलाना, उनके जर्क्स, उनके ट्विस्ट, उनकी वो कश्मीरी वूलन कैप और एक स्टाइलिश स्कार्फ और सारे वो नुस्खे जो सायरा बानो जैसी सुंदरता को अपनी ओर खींच रहे हैं, लेकिन जब गीत सुनते हैं तो महसूस होता है कि असली जो क्यूपिड है वो और कोई नहीं, शंकर जयकिशन जी की तर्ज हैं। पीलू की ज़मीन पर आधारित ये गीत हम सब बहुत पसंद करते हैं। 1961 की फिल्म जंगली, हसरत साहब के बोल, दिन सारा गुजारा तोरे अंगना। अब इन दो महान संगीतकारों को हम वही कहना चाहते हैं कि हर क्षणों में आपके गीतों की याद और हमारे मन में तरोताज़ा रहती है। दिन सारा गुजारा तोरे अंगना। जाना महफिल से, वो कैसे जाओगे निकल कर दिल से, मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर, ओए मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर।
दिल से मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर।